अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तनवीर इकबाल है और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉन ग्रुप को अंडर द कैपेसिटी ऑफ डॉन पेपर। एक्चुअली दिस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री के हवाले से ये पापगई ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो कि 4 साल बाद दोबारा आफ्टर कोविड ये लगाया और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी फुटफॉल और लोगों का, लेकिन माशाल्लाह से बहुत से लोग आए हैं। असल में पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री ये आफ्टर 2-3 इंडस्ट्रीज़ के बाद ये है और इस वक्त जो हमारा स्टैंडर्ड है वो किसी भी इंटरनेशनल प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग स्टैंडर्ड से कम नहीं है। हम लोकली जैसे सायमा पैकेजिंग है, डीलक्स पैकेजेस हैं, ये सारी वो कंपनीज हैं कि जो इस वक्त बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग कर रही हैं और यहाँ सारे आपके जो इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं उनको ये हैंडल कर रही हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इस वक्त किसी भी इंपोर्टेड यानी कि इम्पोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है पैकेजिंग मटीरियल, वी आर केपेबल फॉर दिस। और मैं समझता हूँ कि ऐसी एक्सपोज होती रहनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और इसको और ज़्यादा इस इंडस्ट्री को फ़रूग मिले। कौन सी जदीद मशीनरीज आप यूज़ करते हैं इसके लिए स्पेशल? बेसिकली हमारा ताल्लुक तो पैकेजिंग मटेरियल देना है, लेकिन जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो उसमें इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया से ही तकरीबन इंपोर्ट हो रही हैं, जिसमें पैकेजिंग की और प्रिंटिंग की मशीनरीज हैं जो कि यहाँ जर्मनी से आ रही हैं। वन ऑफ द टॉप समझ लें आप, जर्मनी है, जापान है और ओवरऑल पूरी दुनिया से ही वो मशीनरीज यहाँ इंपोर्ट होकर आ रही हैं और यहाँ लग रही हैं और उसी के ऊपर ये काम हो रहा है। आप माशाल्लाह से नंबर वन हैं, तो ये बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है इस इंडस्ट्री में? तकरीबन आप समझ लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ बॉल पार्क के 7 kg पर पर्सन कंजम्पशन इस वक्त हमारी हो चुकी है, विच इज़ अ ह्यूज साइज एंड अमेरिका इज़ ओवर 200। तो इसका मतलब देयर इज स्टिल अ गैप और इस गैप को इसी तरीके से अवेयरनेस देके पूरा किया जा सकता है। चाइना हमारे लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है? एक्चुअली चाइना इस वक्त वहाँ पर जी बिल्कुल, चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ पैकेजिंग सोर्स, जिसमें कागज़ है, जिसमें पेपर बोर्ड, पैकेजिंग बोर्ड जो है, कोटेड बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड, ये सारे मटेरियल्स वहाँ से यहाँ आते हैं और चाइना हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता रहा है और इज़ अ आयरन फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि अगर मज़ीद गवर्नमेंट कुछ इस चीज़ पे देख के कुछ ड्यूटीज़ पे और कंपेयर करके और उनकी प्राइसेस को नीचे ला के अगर ये बेस बना दे तो उम्मीद है कि हमारे पास और अच्छी इसमें गुंजाइश मिल सकती है। चाइना से कौन सा मटेरियल आपको चाहिए थोड़ा बताइए तो हम उसको हमें बेसिकली प्रिंटिंग जी जी आपको? प्रिंटिंग पेपर है इसमें, इसमें एक होता है SBS बोर्ड है, इसमें फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड है, ये सारे वो मटेरियल्स हैं कि यहाँ पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर मज़ीद फोकस करें हम और नई जो भी जदीद किस्म की मशीनरी है जिसमें पैट है और भी प्लास्टिक के हवाले से जो पैकेजिंग की मटेरियल्स हैं उनको फीजिबल बनाया जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान में छोटे प्रिंटर्स बड़े जुबूहाली का शिकार है, बड़े परेशान हैं, बड़े प्रिंटर्स माशाल्लाह से वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे प्रिंटर्स के लिए कोई मैसेज दे कि वो क्या करें? एक्चुअली छोटे प्रिंटर्स का बात यह कि वो अपनी कुछ पुरानी मशीनों पर काम कर रहे हैं, अब उनको फिल वक्त जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन्स हैं उस पर आना पड़ेगा और जो बाकी बड़ी, क्योंकि इस वजह से वो कामयाब हैं कि वो इस वक्त नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा चुके हुए हैं। अब वो पुरानी मशीनों पर प्रिंटिंग कर रहे हैं लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है, वो अच्छी चीज़ चाहते हैं, अच्छा मटेरियल चाहते हैं, अच्छी प्रिंटिंग चाहते हैं, तो ज़ाहरी बात है इसके लिए उनको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा और अपनी मशीनरी में तब्दीली लानी पड़ेगी, तो पॉसिबल है कि फिर ये चीज़ें उनको ओवरकम कर लें। आखिरी सवाल जी, हुकूमत आपके साथ कैसे चल रही है? हुकूमत इसमें पूरा हमारा भरपूर तावन कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह इम्पोर्ट पॉलिसीज़ पे मद्देनज़र रखते हुए इसको बेहतर बनाएगी ताकि हमारे लिए फीजिबल हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी।